हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यमी लाइफ। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल, इंडियन स्टाइल जो है मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे आप इजीली घर पर जो है बना सकते हैं। घर की ही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो जनरली घर में अवेलेबल रहती है, और बहुत ही स्पाइसी सा, मसालेदार सा जो है हम मैक्रोनी बनाएंगे। सो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया है मैक्रोनी, लगभग जो है 2 बोल मैक्रोनी को मैंने बॉयल कर लिया था और अच्छे से ठंडे पानी में ड्रेन आउट कर लिया है। और यहाँ मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसे हम डाल लेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ, तो आप कोई भी क्वालिटी का रिफाइन ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 4-5 चम्मच जो है, नॉर्मल साइज़ के जो चम्मच होते हैं, उतना मैंने यहाँ पे जो है रिफाइन ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ऑयली ऑयली जो है आपकी मैक्रोनी हो जाती है। तो 4-5 चम्मच इनफ है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल लिया है, इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही जो है पूरा प्रोसेस होगा ये। बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को नहीं पकाना है। तो ऑयल जो है हमारा यहाँ पे हो गया अच्छे से गरम। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे वेजेस जो हमें यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज, तो एक मैंने जो है रफली इस तरीके से प्याज कट कर लिए हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसको स्टोर कर लेंगे, थोड़ा सा इसे पका लेंगे। उसके बाद तो एक चम्मच के करीब मैंने जो है कसा हुआ कद्दूकस करा हुआ जो है अदरक यहाँ पे डाल लिया है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, तो अदरक से जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो वो यहाँ पे मैंने अच्छे से डाल लिया है, और उसको भी हल्का सा पका लेंगे ताकि उसका कच्चापन नहीं आए हमारे मैक्रोनी में। तो ये देखिए, ये पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे बाकी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है कैप्सिकम। तो मैं यहाँ पे जो है नॉर्मली प्याज, कैप्सिकम और जो है कैबेज, पत्ता गोभी जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया। तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे डाल दी है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी यहाँ पे टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा डाल लीजिए, जैसा आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से। तो इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे, और जितने ज़्यादा वेजेस आप डालेंगे उतना ही टेस्ट जो है, क्योंकि बच्चे को इसी टाइप की रेसिपीज पसंद आती हैं, मैक्रोनी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, तो उनमें ये है कि उसके बहाने जो है आप बहुत सारी वेजेस भी जो है बच्चे इनटेक कर लेते हैं इजीली। तो वो आप वेजेस जितने ज़्यादा इंक्लूड करें उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ मैंने डाल लिया है एक चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जो है हल्दी का पाउडर, और एक चम्मच मैंने यहाँ पर डाल लिया है आपका धनिया पाउडर, और आधी चम्मच के करीब मैं यहाँ पर डाल लूँगी आपका गरम मसाला। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है, बिकॉज हम थोड़ा देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो मसालों का जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी जो है इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर, तो एक जो है रफली चॉप करा हुआ टमाटर भी यहाँ पे डाले। और अच्छे से अब जो है मसाले को हम जो है कुछ देर पका लेंगे, ताकि हमारा जो धनिया हल्दी वगैरह है उसका टेस्ट जो है अच्छे से निकल के आए। तो अच्छे से इसको पका लेंगे कुछ देर। फ्लेम देखिए, मैंने यहाँ पे हाई रखा है, फ्लेम आपको लो नहीं रखना है, पूरा हाई फ्लेम का प्रोसेस है ये। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए पक चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपनी मैक्रोनी। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली मैक्रोनी है, बिकॉज मैंने इसे ठंडे पानी में जो है, नॉर्मल जो पानी, अभी तो ठंड का टाइम है तो नॉर्मल पानी भी ठंडा ही है, तो अच्छे से उसमें जो है मैंने वॉश आउट कर लिया था। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ एक चम्मच जो है सोया सॉस, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो हटा भी सकते हैं इसे। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं, इससे टेस्ट जो है मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे चाउमीन में या मैक्रोनी में, पास्ते में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और एक बड़ा चम्मच जो है मैंने यहाँ पर डाल लिया है सिरके का। तो ये दो चीज़ें हैं, सिरका जो है और सोया सॉस जो है, ऑप्शनल है। नमक तो खैर डालना पड़ेगा आपको, तो नमक जो है स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और इसको जो है अच्छे से अब मिला लेंगे हम, ताकि मैक्रोनी में जो है मसाले जो हमने पकाए हैं उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो निकल के आए। तो लगभग 1-1.5 मिनट और जो है हम इसको पका लेंगे अच्छे से, ताकि मैक्रोनी के हर एक कोने कोने में जो हमारा ये जो मसाला है देसी स्टाइल मसाला, तो वो जो है चला जाए। तो ये देखिए अच्छे से इसको कुछ देर हम जो है ऐसे ही पका लेंगे। और ये देखिए कलर, जैसे जैसे आप पका देंगे कि कलर जो है अलग होता जाएगा, बिकॉज मैक्रोनी में जो है कोटिंग होती जा रही है मसालों की। तो ये हमारा जो पास्ता है या मैक्रोनी है, जो आप कह लीजिए, बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा जो मैक्रोनी का टेक्सचर
कितना यमी सा निकल कर आया, तो इसे हम कर लेंगे सर्व। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है इस तरीके से, और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बिकॉज ठंडा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना, कोई भी चीज़ ठंडी खाने पे उतनी मज़ा नहीं आएगी। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें एंड इसका मज़ा लीजिए। होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे